हूँ आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त वीडियो। और आज के जबरदस्त वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाली लेटेस्ट गुड न्यूज के बारे में। दोस्तों गुड न्यूज ये है कि नोट सीरीज के जिस डिवाइस को काफी देर से इन्फिनिक्स की तरफ से टीज किया जा रहा था, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्मार्टफोन के पिक्चर्स देखने को मिल रही थी, कुछ रूमर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी, आपको कन्फर्म हो चुकी हुई है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को याद होगा प्रीवियस नोट सीरीज की डिवाइस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि नोट 10 प्रो बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, बट ये डिवाइस सबसे पहले इंडिया के मार्केट में लॉन्च की जाएगी, क्योंकि इंडिया के मार्केट में इस डिवाइस का रिटेलर वॉक देखने को मिला था। बट इन्फिनिक्स पाकिस्तान की तरफ से ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि ये डिवाइस सबसे पहले पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने जा रही है और इन्हीं कुछ दिनों के अंदर लॉन्च होने जा रही है। तो भाई ये तो पता चल गया कि डिवाइस सबसे पहले पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। अब जानना यह कि हमें डिवाइस के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है और एग्जैक्ट कब तक लॉन्च होने जा रही है, बहुत वेट कर लिया भाई हमने इस डिवाइस का। हमें अब बताया जाए कि डिवाइस कब तक पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने जा रही है और डिवाइस की क्या प्राइसिंग होने वाली। तो भाई आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाले हैं, डिवाइस की क्या प्राइसिंग होने वाली है, डिवाइस के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिक्चर भी ट्रेंड हुई है, तो एक्चुअल में बैक डिजाइन भी आप लोगों को शो करवाने वाले हैं, इसका बैक डिजाइन कैसा होने वाला है, तो सब कुछ डिटेल में बताने वाले इन्फिनिक्स के नोट 10 प्रो डिवाइस के बारे में। पर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा शो हो जाएगा, उसको दबा के जोर पे कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वॉच के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के ऊपर। इस वॉच का डिस्प्ले देखें आप लोगों को 6.9 का स्क्रीन साइज दिया गया है, 1080p पिक्सल रेजोल्यूशन वाला एक फुल HD प्लस डिस्प्ले लगाया गया है, डिस्प्ले IPS LCD वाला लगाया गया है, स्क्रीन डिजाइन पंचोल का रखा गया जिसकी प्लेसमेंट को सेंटर में सेंट्रलाइज किया गया है, और एक 90Hz रिफ्रेश रेट वाला आप लोगों को पैनल लिया गया है, 240Hz की टच सैंपलिंग रेट भी इस वॉच के डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है। और फाइनली भाई नोट सीरीज की तरफ से भी हमें गुड न्यूज देखने को मिलगी कि हाई रिफ्रेश के साथ अब आप लोगों को मिल रहा है नोट सीरीज के डिवाइसेस के अंदर एक फुल HD प्लस डिस्प्ले पैनल, और यही चीज की कमी इन्फिनिक्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही थी कि 720p पिक्सल रेजोल्यूशन के ऊपर से अपग्रेड नहीं देखने को मिल रही थी, इन्फिनिक्स अपने डिवाइसेस के अंदर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, बट फाइनली अब आप लोगों को नोट 10 प्रो डिवाइस के अंदर एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। तो ये न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे, आप लोगों को कैसी लगी लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। दोस्तों फर्दर मूव ऑन होते हैं इस वॉच के डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्टफोन के साइड पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, बिल्कुल नोट सीरीज के प्रीवियस डिवाइसेस की तरह आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट दी गई है, बैक बिल्ड भी प्लास्टिक की बनाई गई है, जो पहले जो पिक्चर्स यहां पर रेंडर हुई है उसके मुताबिक लग रहा है कि बैक पे आप लोगों को कोई भी इस टेक्सचर नहीं देखने को मिलने वाला, कोई भी डिजाइन नहीं देखने को मिलने वाला, प्लेन बैक कलर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। बैक पे देखें तो आप लोगों को क्वाड रियर कैमरास की सपोर्ट दी गई है, कैमरास के बारे में कोई ज्यादा कंफर्मेशन तो नहीं है, बट लीक्स के मुताबिक ये पता चल पाया है कि आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलने वाला है, और ये एक वाइड का कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा मिलेगा, और एक AI कैमरा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, और इस डिवाइस के अंदर जो फ्रंट कैमरा लगाया गया वो 16 मेगापिक्सल का होने वाला है, और इस डिवाइस के अंदर जो चिपसेट लगाया गया ना उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस वर्ष के बैक कैमरे के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 4K की वीडियो क्वालिटी भी मिलने वाली, क्योंकि इस वर्ष के अंदर लगाया गया है MediaTek का Helio G95 का चिपसेट। अब इससे पहले G95 का चिपसेट हमें सिर्फ एक डिवाइस के अंदर देखने को मिला जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है Realme की 8 डिवाइस, और हमें बखूबी अंदाजा है कि भाई Realme 8 के अंदर हमें कैसी PUBG परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, कैसी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है, तो काफी हद तक वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्फिनिक्स की नोट 10 प्रो डिवाइस के अंदर आप लोगों को एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। बाकी डिपेंड करता है कि यूजर्स के ऊपर यहाँ पे इनकी UI कैसी है, Realme की UI कितनी स्टेबल है, तो ये डिपेंड करते हैं कि वो कितनी ऑप्टिमाइज है, उस चीज को भी लेकर डिस्कस करेंगे किसी वेरी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वजह से आप लोगों को दिया गया एक G95 का चिपसेट 12 नैनोमीटर फैब्रिकेटेड चिपसेट है, जिसमें आप लोगों को CPU ऑक्टाकोर मिल जाता है, और GPU लगाया गया मालिक का G52 आउट ऑफ द बॉक्स, ये डिवाइस एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट के साथ आने वाली है, साथ ही आप लोगों को इन्फिनिक्स की लेटेस्ट UI X7.6 की UI देखने को मिलने वाली है, और इस वॉच को अगर आप लोग बाय करते हो तो ना आप लोगों को कैमरा वाइज को इश्यू आने वाला है, ना परफॉर्मेंस वाइज इश्यू आने वाला है, क्योंकि G95 का चिपसेट दिया गया है एक प्योर गेमिंग चिपसेट, आप लोगों को काफी अच्छी स्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस उसके अंदर देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ आप लोगों को रैम और रोम स्टोरेज वाइज भी कोई इशू नहीं आने वाला। अगर आप एक ऐसे यूजर है भाई जिसको बड़ी रैम चाहिए, बड़ी स्टोरेज चाहिए, उसको बड़ा इशू आता है खासतौर पर स्टोरेज को लेकर, तो वो चाहता है कि बजट के अंदर मुझे ना बड़ी स्टोरेज मिल जाए, तो ये डिवाइस आप लोगों के लिए खासतौर पर बन सकते हैं, इस वजह से लगाया गया है 8GB का मॉड्यूल, यानी कि 8GB की रैम दी गई है आप लोगों को, साथ ही 256GB की स्टोरेज दी गई है, तो यहाँ पे रैम और स्टोरेज वाइज भी काम किया गया, आप लोगों को काफी बड़ी स्टोरेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बाकी इस वजह से आप लोगों को 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, और पाकिस्तान के मार्केट में जब डिवाइस आएगी तो आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है। इंडिया वाले सुन लें कि इंडिया के मार्केट में जब ये डिवाइस लॉन्च होगी तो आप लोग को नॉर्मल 18W का चार्जर मिलने वाला है, बट पाकिस्तान के मार्केट में जब ये डिवाइस लॉन्च की जाएगी तो आप लोगों को 33W का चार्जर मिलने वाला है।
बाकी आप लोगों को टाइप सी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये और स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है आप लोगों को इन्फिनिक्स की इस नोट 10 प्रो डिवाइस के अंदर। भाई अब हमें बताओ कि ये डिवाइस लॉन्च कब होगी। स्पेसिफिकेशंस हमने सुन ली, डिजाइन हमने देख लिए, अब हमें बताओ कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, और अब हमें बताओ इसकी स्पेसिफिकेशंस के हमने सुनी लिए हैं। तो दोस्तों इस डिवाइस की जो प्राइस होने वाली है ना, वो कुछ आइडिया इन्फिनिक्स की तरफ ये जाए करो, कुछ 33 से 34 हज़ार के राउंड पर इस डिवाइस की प्राइस होने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये डिवाइस कुछ ना 30 से 33 हज़ार के राउंड पर आ जाए ना, तो काफी धमाकेदार होने वाली, क्योंकि इसके अलावा भी हमें इन्फिनिक्स की 08i डिवाइस देखने को मिल रही है, जो कि सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ है, इसके अंदर हमें थोड़ा चिपसेट थोड़ा इंप्रूव देखने को मिल जाता है। तो इस डिवाइस की प्राइस के बारे में तो आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया, अब बात करते हैं हम इस डिवाइस की लॉन्च डेट की। दोस्तों इन्फिनिक्स पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि इस डिवाइस के 16 मई से प्री ऑर्डर स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये तो क्रिस्टो कन्फर्म होगी कि भाई इसी मंथ के अंदर ये डिवाइस पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने वाली है, और कुछ 18 से 19 मई के अंदर ये डिवाइस ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल होने वाली। तो कैसी लगी आप लोगों को इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप में से कितने लोग इस डिवाइस का वेट करने वाले हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों को इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग मिलने वाली है, और ना सिर्फ आप लोगों को हमारे चैनल पर अनबॉक्सिंग मिलेगी बल्कि इसका ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेंगे, कैमरा रिव्यू मिलेगा, चार्जिंग टेस्ट मिलेगा, पबजी टेस्ट मिलेगा, और फर्दर जो भी क्वेरी होगी उस चीज को भी डिस्कस करेंगे इस डिवाइस को लेकर, और आप लोगों को अपने फाइनल ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करेंगे इस डिवाइस से रिलेटेड। तो उसके लिए आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आइकन शो देगा, उसके बाद रोल पर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जैसे हम चैनल पर इस वीडियो इस स्मार्टफोन की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, हमारी वीडियो से मिस मत हो सके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे जात मैं हूं निकी, अल्लाह हाफिज।